हमने अभी देखा कि सम इफ की मदद से हमने क्या किया, सम कर लिया, इतने सारे कंडीशंस क्राइटेरिया लगा के हमने एक कंडीशन के बिहाफ पे सम किया। तो अभी आपने देखा कि मैंने यहां पे जो सिंगल कंडीशन लगाया हुआ है, लेकिन मुझे अगर मल्टीपल कंडीशन लगाना होता तो जैसे मुझे पता करना है कि पूजा मुजफ्फरपुर में नॉर्थ एरिया में कितना सेल किया है, पूजा मुजफ्फरपुर के नॉर्थ एरिया में कितना सेल किया, तीन कंडीशंस हैं यहां पे। तो यहां पे हम यूज करेंगे सम इफ्स फॉर्मूला। जी हाँ, इफ के बाद में आईएस लग गया है तो ये हो गया सम इफ्स फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि इसमें थोड़ा उल्टा होता है, पहले आपको देना और सेलेक्ट करना होता है सम रेंज कि किसको टोटल करना है। तो मुझे टोटल करना है, मान लीजिए किसको, हमें टोटल करना है क्वांटिटी को, तो हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया। फिर आता है क्राइटेरिया वन रेंज कि पहली क्राइटेरिया किसमें मैच करनी है, हमने बोला नेम को मैच करनी है। देन आता है क्राइटेरिया क्या है, तो हमने बोला पूजा है नेम में। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, दूसरी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, सिटी है, हमने सिटी को सिलेक्ट किया। फिर बोलता है दूसरी क्राइटेरिया क्या है, ये हमने सिलेक्ट किया। तीसरी क्राइटेरिया रेंज क्या है, हमने सेलेक्ट कर लिया रेंज को, और तीसरी क्राइटेरिया क्या है, ऐसे चौथी पांचवी छठी आप कंटिन्यूअस देते चले जाइए। फिर हमने यहां पे एंटर प्रेस किया और आप यहां देख पा रहे हैं कि रिजल्ट आपके सामने है। हमने सम इफ्स की फॉर्मूले लगाए।